विजया रहाटकर को एक बार फिर से राजस्थान का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इनको लगाया गया था और राजस्थान की महिला वोटर्स को लुभाने के साथ बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ कई आंदोलन में अगुवाई भी की और साथ में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी किए। शायद यही वजह है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद भी बीजेपी ने उनको सह प्रभारी की जिम्मेदारी पर रखा है। लेकिन इनका सियासी सफरनामा कैसा है, महाराष्ट्र से राजस्थान तक का सफर कैसा है, चलिए हम आपको बताते हैं। विजया रहाटकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी और भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। 1995 में उन्होंने एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने भाजपा के साथ साथ चुनावी राजनीति में भी प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। 2000 से 2010 तक औरंगाबाद नगर निगम के निर्वाचित सदस्य रहे। 2007 से 2010 तक वे औरंगाबाद की महापौर भी चुनी गई। 2014 में वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अब उन्हें भाजपा ने एक और जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इस जिम्मेदारी पर काम करने के दौरान उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के सामने 5 उपचुनाव में जीतने की चुनौती है, वही चुनौती विजया रहाटकर के सामने भी है। इनके बारे में एक और बात भी की जाती है कि जिन महिला कार्यकर्ताओं से ये घिरी रहती है उनके लिए पक्षपाती हो जाती है, जिससे दूसरी महिला कार्यकर्ताओं को उपेक्षा महसूस होती है। अभी विजया रहाटकर को तय करना है कि उन्हें पूरे प्रदेश के महिलाओं के लिए काम करना है, उनको बीजेपी से जोड़ना है और जो काबिल है उसको आगे लाना है, या फिर अपने चहेतों को।